और कभी कभी ना मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करता हूँ, गधा हूँ गधा। अरे मेरे को बास्केट लेके आना था दो ही सामान के लिए, मैं ट्रॉली। एक्चुअल में बियर्ड दाढ़ी बहुत बढ़ गई है। क्या है, होता क्या है कि मंगलवार हो जाता है, कभी शनिवार हो जाता है, कभी गुरुवार, जिस दिन टाइम रहता है करने के लिए सेविंग, और जिस दिन दूसरा दिन रहता है तो बिज़ी हो जाता हूँ। जैसे दो दिन मैं धमतरी चला गया, फिर सफ़र इधर उधर का, और बहुत सारे काम हो जाते हैं। और उसी काम के बीच मेरा अभी तक ऑफिस का, बैंक ऑफ बड़ौदा ग्राहक सेवा केंद्र के, सफाई नहीं हो चुकी है। तो हो सकता है आज रात को मैं सफाई थोड़ा बहुत कर लूँ, फिर दिवाली के बाद अच्छे से करूँगा। तो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं मॉर्निंग वॉक पे नहीं गया, क्योंकि कल रात, मतलब परसों रात को नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई थी, हॉस्पिटल में था तो, और सफ़र का इधर उधर का थकान था, तो मैं सोचा आज थोड़ा देर तक सो लूँ, फिर आज पूरे दिन का ब्लॉग कल डालूँगा, मतलब दिवाली के दिन, एक दिन बाद। तो ये छत आपने लॉकडाउन के टाइम में कई वीडियो में देखा होगा, तो चलिए वीडियो यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो अभी हम शॉपिंग के लिए आए हैं अपने अनकट्टी के रविराज कलेक्शन में, और मुझे अभी तीन कपड़े पसंद आए हैं, ये एक दो और ये तीन, इधर से दिखाता हूँ। अभी डिसाइड कर रहा हूँ ये लूँ या ये लूँ या ये, और रवि को जानते हो अपने अनकट्टी के, और इधर राज उसका भाई। आइए, यहाँ कलेक्शन बहुत अच्छे रहते हैं और प्राइस भी आपको बहुत अच्छा अच्छा लग जाएगा, और मेरा नाम लोगे तो आपको 10% डिस्काउंट दे देंगे एक कपड़े के पीछे, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई रहेगा, ठीक है। तो अभी मैं डिसाइड कर रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे पास तो टाइम नहीं रह गया, कल दिवाली है। तो ये दोनों में हमने ये दोनों ट्राई किया और हमें ये पसंद आया एक्चुअल में, तो मैं यही ले रहा हूँ। और मैंने पहले बताया है कि आप आइए यहाँ एक बार, कलेक्शन बहुत अच्छे रहते हैं, और हमारे गांव में ही है, बिजली ऑफिस के पास, रविराज कलेक्शन। इंस्टाग्राम में है आपका आईडी, क्या नाम से है बताना भाई? रविराज के नाम से इंस्टाग्राम में आईडी है, आप फॉलो करो और आपको पूरा डिटेल आपको मिलेगा। तो ये है भाई का इंस्टा आईडी, रवि का, रवि राज दोनों का, और इसमें पूरे आपको कलेक्शन मिल जाएंगे। आप डीएम करिए या स्टेटस पे, आप हिस्ट्री जो भी है स्टोरी पे आप कमेंट करिए, आपको प्राइस भी बता दिया गया, और एक बार आप यहाँ के एक बार विजिट जरूर करिए। तो मम्मी के लिए यही साड़ी फिलहाल, इस बार सोचा पापा और मम्मी के लिए भी कुछ ना। एक्चुअल में मैं साड़ी, मतलब और जरी वाली और बहुत सारी चीज़ें वाली ले सकता था, लेकिन रेगुलर पहनने वाली, यूज़ वाली, जो हमेशा यूज़ हो वैसा लिया, क्योंकि मेरी मम्मी ज़्यादा हैवी वाली साड़ी नहीं पहनती, तो जो वज़न में हल्का हो वैसा टाइप का, मैं बोला रेगुलर जो यूज़ हो वैसा, क्योंकि बहुत अच्छा था वो साड़ी। तो अभी मैं आया हूँ डीमार्ट, यहाँ एक दो चीज़ें लेनी है, तो फिर उसके बाद चलिए हम लोग अंदर चलते हैं। और इसके बाद आवाज़ थोड़ा हो सकता है कम आए, क्योंकि मास्क भी लगाना है और मैं अपना माइक भूल गया हूँ। और मेरे बाल ना जब तक स्ट्रेट नहीं करवाऊँगा, और थोड़ा इधर उधर से ड्रेसिंग नहीं होगा बाल का जब तक अभी, क्योंकि बाल आया है तब से, मैंने अभी इसमें ध्यान नहीं दिया अच्छे से, तब तक अच्छे से नहीं होगा। और अभी धूल और गाड़ी में चलते चलते इसका ऐसा ही हालत ख़राब हो गया है, तो चलिए अभी हम एंट्री करेंगे अंदर। चैन लॉक करवाया अभी हमने, बोलते हैं फॉर्मेलिटी है, चलते हैं अंदर। हाँ, तो पता कुछ नहीं चलता है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, कौन से सेक्शन में क्या है, बट मैं यहाँ ढूंढने आया हूँ अपने लिए एक टी शर्ट, जो मैं रात में पहन सकूँ नाइट में सोने के टाइम, एकदम हल्का वाला। और यहाँ बहुत अच्छे अच्छे टी शर्ट मिलते हैं 100 रुपये में,
वही देखना है मुझे। देखिए यहाँ पे कॉलम में ये टी शर्ट पसंद आया रात के लिए, और मैंने ट्रॉली नहीं ली है, तो अभी फ़िलहाल तो मैं जा रहा हूँ ट्रॉली ढूंढने, क्योंकि मैं एंट्री बीच से किया था, तो अभी थोड़ा आगे जा रहा हूँ। तो हमें मिल गई है खाली ट्रॉली, और मुझे ज़्यादातर दो ही चीज़ लेने आया था मैं यहाँ, एक मेरे लिए नाइट के लिए टी शर्ट, और पापा के लिए, क्योंकि उन्होंने अपना कपड़े सिलवा लिए हैं, ज़्यादातर नॉर्मल फॉर्मल ही पहनते, तो मैं उनको बॉडी वार्मर चाहिए था, तो मैं सोच रहा हूँ उनके लिए बॉडी वार्मर ले लूँ एक। तो देखते हैं कौन से सेक्शन में मिलता है बॉडी वार्मर। और कभी कभी ना मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करता हूँ, गधा हूँ गधा। अरे मेरे को बास्केट लेके आना था दो ही सामान के लिए, मैं ट्रॉली उठा लाया। मुझे तो नहीं लग रहा है यहाँ बॉडी वार्मर मिलेगा, तो देखते हैं यहाँ पूछते हैं किसी से, अगर मिल गया तो ठीक, नहीं तो बाहर लेंगे। तो चलिए अब हम एक ही सामान लेने आए थे मान के चलिए, अब चलते हैं बिलिंग करवाने, और बॉडी वार्मर हम बाहर लेंगे क्योंकि यहाँ नहीं मिला, बोलते नहीं रखते। और नितिन 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 नहीं है क्या, छोड़ दिया लगता है, मिल नहीं रहा है भाई, लगता है खरीदने से ज़्यादा टाइम बिलिंग में लगने वाला है यार। भीड़ तो कम लग रही है, हो सकता है दो तीन दिन पहले कम रहा हो, लगता है और ज़्यादा टाइम लगने वाला है, पिछले 5-10 मिनट से तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं पता नहीं और कितना टाइम लगेगा। खाली है डी मार्ट अभी फिलहाल, हाँ थोड़ा शाम होगा तो सब लोग आएंगे, क्योंकि अपने ऑफिशियल जो लोग हैं ऑफिस के वर्क के बाद आते हैं शाम को 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक बहुत भीड़ रहती है। फिर चलते हैं बाहर बिलिंग करवाने के बाद फिर बात करते हैं। बस तो बैग के नाम यही है, तो इसी में जैसे तैसे डाल देता हूँ, और अब निकलेंगे घर की ओर, काफ़ी लेट हो गया, दुकान भी जाना है मुझे, तो चलिए जल्दी चलते हैं अब। और इस बार थोड़े पैसे बचे थे तो मैं तो नहीं लेना चाहता था कपड़ा, फिर भी ले लिया टी शर्ट जो आपने पहले देखा वीडियो में, और अभी एक घर पे निकले, और मैं बोला कि थोड़े बहुत पैसे हैं तो मम्मी के लिए भी थोड़ा ले लेता हूँ, पापा के लिए भी कुछ और लिया रहा था, लेकिन वो तो सिलवा लिया अपना कपड़ा, तो मैं इसलिए वार्मर ले लेता हूँ। तो अभी थोड़े पैसे बचे हैं, वार्मर ले लेता हूँ, फिर चलेंगे घर। अब हम पहुँच गए अभी घर, और वार्मर बहुत ढूंढा नहीं मिला, दो जगह गया, फुल वाला ही दिखाए उन लोग, बोलते कि हाफ नहीं आता है तो थोड़ा छोटा या लोकर रहता है करके, तो हाफ ही चाहिए था क्योंकि फुल तो यूज़ होता नहीं है। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ घर, और देखिए ये ऑफिस तहस नहस है, थोड़ा सा सफाई वफाई होना चाहिए था, हो सकता है रात में थोड़ा सा ऊपर सफाई है, कांच वाँच सफाई कर लूँ। और तो चलिए अब मैं निकलता हूँ दुकान, और हो सके रात को आके सफाई करेंगे और वीडियो फिर उसके बाद ख़त्म कर देंगे वहीं पे। यही वाला टी शर्ट देखिए 99 वाला। तो अब हम जलाएंगे आकाश दिया, और आकाश दिया जलाते हुए मैंने बहुत दिखाया, लेकिन आज खोलते कैसे हैं इसको आराम से, कई लोग पूछे हैं, तो चलिए दिखाता हूँ। ये है इसका मोम जिसमें आग लगती है, और इसको भी खोलते हैं। तो ऐसे आराम से खोलना है, तो बहुत पतला पेपर रहता है तो इसको धीरे धीरे खोलेंगे, क्योंकि ये बहुत जगह चिपका भी रहता है गोंद से, अगर ये निकल जाता है और फट जाता है, ये देखो फट गया, तो इसको सेलो टेप आप मार सकते हैं टेबल में रख के आराम से, यहाँ पे देखिए फट गया है, इसको सेलो टेप मार, और धीरे धीरे आराम से खोलना है इसको। तो ये देखिए पूरा खुल गया, लेकिन जहाँ पे फटा है उसको सेलो टेप से अभी चिपकाएंगे, ये पतला से इसको सेलो टेप में ऐसे मार देना है ताकि हवा बाहर ना जाए, गैस इसका
तो चलो अब इसको उड़ाते हैं। जाले वगैरह दिख रहे हैं आप लोगों को, अभी खाना खाया हूँ, अब साफ करने की सफाई करने की इच्छा नहीं है, और अगर करूँगा तो थोड़ी सर्दी हो रही है, बढ़ जाएगा, तो इससे अच्छा मैं सुबह जैसे ही टाइम मिलता है नहाने से पहले आधे घंटे में ये कांच साफ कर दूँगा पूरा, और पूरी सफाई हो जाएगी, और उसके बाद बलून लगा देंगे वाइट और ऑरेंज वाली। आज दिन भर का शेड्यूल बहुत बिजी था, क्योंकि दो दिन तो मैं बाहर था, तो दो दिन का पेंडिंग कुछ काम और शॉपिंग का और बहुत सारी चीज़ें हुई, तो सबको गुड नाइट, मतलब गुड मॉर्निंग, आप तो वीडियो सुबह देखेंगे जब भी देखेंगे, तो चलिए वीडियो यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।